ये बात एकदम साफ है कि इन तीन शक्तियों के बलबूते पर ही इस अस्तित्व का निर्माण हुआ है। वो जैसे हैं वो अपनी जगह पर बने रहते हैं और वो गतिमान हैं। देवी कोई कण नहीं है, वो अस्तित्व की इन तीन मूल शक्तियों को थाम कर रखने वाला आकाश है। इस धरती की ज्यादातर संस्कृतियों ने स्त्री गुण को पूरी तरह से खो दिया है। आप देख रहे हैं ये दो सबसे हावी फैक्टर हैं, इसलिए आप देखेंगे स्त्री गुण के लिए कोई जगह नहीं है, सब कुछ पुरुष गुण के बारे में है। तो स्त्री गुण की व्याख्या करने का मूल शब्द था री। ये शब्द री है जिसे सृष्टि का मूल या देवी मां कहते हैं। यहीं से आजकल का शब्द स्त्री आया है। स्त्री का शाब्दिक अर्थ है महिला। री शब्द का अर्थ है गति, संभावना या ऊर्जा। ये वो शब्द भी है जिससे आर्य शब्द निकला है। आर्य यानी सभ्यता या संस्कृति, या प्रतीकात्मक रूप से ये कहना कि जब पुरुष गुण प्रभाव में होता है तब ये जीतने वाली बात होती है, लेकिन तब जब स्त्री गुण प्रभाव में आता है तभी एक सभ्यता बनती है। ये एक ऐसी संस्कृति है जिसने स्त्री गुण का बहुत गुणगान किया है, और साथ ही ये एक ऐसी संस्कृति भी है जहां स्त्री गुण का घिनौना शोषण भी हुआ है। इस संस्कृति की बुनियाद स्त्री गुण के गुणगान में है, लेकिन धीरे धीरे यह संस्कृति स्त्री गुण के शोषण में बदल गई। अब सृष्टि की रचना की बात है तो स्त्री गुण का जन्म आखिर हुआ कैसे? कहानी कुछ इस प्रकार है कि ऐसी शक्तियां जो सृष्टि के लिए हानिकारक थीं, जब वो बढ़ने लगीं और पूरी सृष्टि के लिए खतरा बन गईं, जो कि अभी भी एक शुरुआती अवस्था में ही थी, तो तीनों मुख्य भगवान आपस में मिले, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो कि तीन अलग अलग गुणों के प्रतीक हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञान की भाषा में हम इन्हें इस तरह समझा सकते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ब्रह्मा, विष्णु और महेश इसी क्रम में। आज मॉडर्न भौतिक विज्ञान के अनुसार ये बात एकदम साफ है कि इन तीन शक्तियों के बलबूते पर ही इस अस्तित्व का निर्माण हुआ है, यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इनका अपनी जगह पर बने रहने का कारण और इनके हमेशा गतिशील रहने का कारण ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है जो कि इन तीनों शक्तियों के बाहर होता है। तो उस इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज के बिना ये तीनों किसी गतिमान अवस्था में नहीं रह सकते। इन तीनों की इस गतिशील हलचल के बिना सृष्टि नाम की कोई चीज ना होती। विज्ञान के इसी आयाम को ये कहानी एक लोक कथा के रूप में बताना चाह रही है कि ये तीनों भगवान मिले और जब वो विनाशकारी शक्तियां बढ़ने लगी और वो नहीं जानते थे कि इन्हें कैसे हैंडल किया जाए, उनके अंदर ये तीन अद्भुत गुण थे पर उन्होंने पाया कि ये तीन गुण काफी नहीं थे। वे जान गए कि इन तीन गुणों के मिश्रण की आवश्यकता थी।
तो उन सभी ने एक लंबी सांस छोड़ी, अपना सबसे अच्छा हिस्सा बाहर निकाला और ये तीन शक्तियां मिल गईं, या इन तीन शक्तियों की सांस मिलकर एक हो गई और ऐसे बना स्त्री गुण या स्त्री प्रकृति। या देवी तो जिन कहानियों की हम बात करेंगे वो जो इस संस्कृति का आधार बनाती हैं वो असल में भौतिक विज्ञान ही हैं, जिसे बड़ी सुंदरता से एक लोक कथा की तरह एक साकार रूप में कहा गया है। और ये वही मूलभूत शक्तियां हैं जिनसे ये सृष्टि बनी है। ये शक्ति जिसे हम कहते हैं देवी, देवी शब्द दिव से आया है। दिव यानी आकाश। तो देवी कोई कण नहीं है, वो अस्तित्व की इन तीन मूल शक्तियों को थाम कर रखने वाला आकाश है, वो ऊर्जा जिससे एक अणु चलता है, वही ऊर्जा है जिससे ब्रह्मांड चलता है, ये वही ऊर्जा है जो हर चीज को, यानी सृष्टि में हर चीज को संभव बनाती है। और इस ऊर्जा को हमेशा स्त्री गुण के रूप में पहचाना गया है। मैं चाहता हूं कि आप ये समझ लें, ये बात नारित्व के गुणगान की है, नारी की नहीं, क्योंकि नारी में भी नर होता है ना। This is about the feminine, not about being female. Being female is a very bodily thing. ये स्त्री गुण की बात है, स्त्री होने की नहीं। एक स्त्री होना केवल शरीर की बात है, स्त्री गुण का होना शरीर की बात नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। जब जिंदा रहना ही सबसे बड़ा मुद्दा हो तो स्वाभाविक है पुरुष गुण दुनिया पर राज करेगा। जब भरण पोषण अच्छे से चल रहा होता है सिर्फ तभी स्त्री गुण बाहर आता है। जब समाज में भरण पोषण का ख्याल रखा जा चुका होता है सिर्फ तभी स्त्री गुण की बारी आती है। पर दुर्भाग्य से दुनिया में एक बड़ी त्रासदी हो रही है, वो ये कि हालांकि दुनिया में कम से कम 50% आबादी के लिए भरण पोषण बहुत अच्छे से चल रहा है, वो बस अपने रहन सहन के लेवल को और ज्यादा से ज्यादा आगे धकेल रहे हैं। एक समय पर भरण पोषण का मतलब सिर्फ दो वक्त का खाना था, फिर इसका मतलब हुआ एक झोपड़ी होना, फिर एक घर का होना, फिर एक महल होना, अब बेंटली या मर्सिडीज का होना या जो भी है। रहन सहन के लक्ष्यों को और आगे से आगे बढ़ाया जा रहा है, लोग अपने रहन सहन को मुश्किल से मुश्किल बनाते जा रहे हैं। बहुत से लोगों को अपने जीवन में ये सारी अलग से जुड़ी हुई चीजें अलग से जुड़ी हुई नहीं लगती, वो इसे भरण पोषण ही मानते हैं, एक दूसरे लेवल का भरण पोषण। ऐसा है कि नहीं है? भरण पोषण का एक और लेवल है, सामाजिक भरण पोषण, जो कि पूरी तरह से एक अलग ही स्तर का है। जब तक आप भरण पोषण को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा समझेंगे स्वाभाविक रूप से पुरुष गुण राज करेगा। यही कारण है कि आज दुनिया में पैसा सबसे हावी पहलू बन गया है। पैसा सिर्फ भरण पोषण के लिए होता है। जब तक पैसा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तब तक पुरुष गुण महत्वपूर्ण रहेगा, स्त्री गुण महत्वपूर्ण नहीं होगा। महिलाएं ऊपर आ सकती हैं, पर ऊपर आने की प्रक्रिया में वो स्त्री गुण रहने की बजाय और मर्दानी होती जा रही हैं। ये दुनिया के लिए एक बड़ी मुसीबत है। अगर स्त्री गुण को दबाया गया होता तो हो सकता है वह कल वो सामने आ जाता, पर अगर स्त्री गुण खुद को पुरुष गुण में बदल लेगा तो ये एक बड़ी मुसीबत है, क्योंकि इसको पलटने में बहुत लंबा समय लग जाएगा। पुरुष गुण को स्त्री गुण में वापस बदलने की तुलना में स्त्री गुण को आजाद करने में बहुत कम समय लगेगा, इसमें बहुत लंबा समय लग जाएगा। हम इस समय दुनिया में उस ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि पैसे या अर्थशास्त्र का राज चल रहा है। जैसे जैसे तकनीक और पैसा ज्यादा से ज्यादा प्रभावी होते जाएंगे, आप देख रहे हैं आज ये दोनों सबसे प्रमुख फैक्टर हैं, तब आप देखेंगे कि स्त्री गुण के लिए कोई जगह नहीं होगी, सब कुछ पुरुष गुण के बारे में है। सिर्फ तभी जब प्रेम, संगीत, कला, ये और वो, ये सारी चीजें जीवन के बारीक पहलू प्रभाव में होंगे, दुनिया में उतने ही महत्वपूर्ण होंगे जितने की तकनीक और अर्थशास्त्र हैं, सिर्फ तभी स्त्री के लिए एक समान भूमिका निभाने की गुंजाइश है। नहीं तो महिलाएं पुरुषों जैसा व्यवहार करने लगेंगी, जो कि बड़े पैमाने पर होने भी लगा है।
क्योंकि कहीं ना कहीं ये धारणा है कि आदमी जैसा बनकर ही आप सफल हो सकते हैं, जो कि एक बिल्कुल ही गलत सोच है। ये पूरी तरह से एक विनाशकारी सोच है जो कि आज लोगों के दिमाग में घुस चुकी है कि आज अगर आप एक मर्द की तरह होंगी तभी आप सफल हो सकती हैं। तो अगर हमें इस आयाम को जानना है, समझना है, यानी अपने अंदर के स्त्री गुण को, या अगर हमें अस्तित्व में व्याप्त स्त्री गुण के आयाम की खोजबीन करनी है, तो हमें खास तरह से होना होगा, नहीं तो आप स्त्री गुण से चूक जाएंगे। दुनिया की ज्यादातर संस्कृतियां स्त्री गुण से पूरी तरह से चूक गई हैं। वहां महिलाएं हो सकती हैं लेकिन स्त्री गुण ज्यादा नहीं है। यहां वहां स्त्री गुण की झलकें मिल सकती हैं लेकिन कोई असली स्त्री गुण घटित नहीं हो रहा है। स्त्री गुण एक बड़े उत्सव के रूप में नहीं घटित हो रहा है। स्त्री गुण पूरे जोश में घटित नहीं हो रहा है क्योंकि ज्यादातर संस्कृतियां जीत हासिल करने से विकसित हुई हैं। जीवन को हमेशा जीत के रूप में, उपलब्धि के रूप में देखा गया है, कभी समावेश के रूप में नहीं। सिर्फ ऐसी संस्कृति में, सिर्फ ऐसी जगह पर, सिर्फ एक इंसान के भीतर जो जीवन को समावेश के रूप में देखता है, उस व्यक्ति के अंदर स्त्री गुण पूरे प्रवाह में व्यक्त होता है। वो जो जीवन को एक उपलब्धि के रूप में देखता है, वो जो जीवन को जीत की तरह देखता है, वो स्त्री गुण को नहीं जान पाएगा।